एडेन्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। अगर मैं आपसे कहूं, जैसा कि हमारा थंबनेल भी आपको बता रहा होगा, जानकारी भी आपको बता रही होगी वीडियो से पहले, कि 60 फुट ऊंची उड़ान है लेकिन बन गया है एक रिकॉर्ड, कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, आप कहेंगे हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ते हैं, उससे ऊपर जाकर और भी दूसरे विमान जो कि हल्के विमान है, कुछ एक लोगों ने जंप इससे भी ऊंचाई से लगाई हुई अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की एकदम बाउंड्री पर पहुंचकर रॉकेट्स अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो रिकॉर्ड कैसे बन गया? तो रिकॉर्ड इसलिए बन गया कि हम बात कर रहे हैं इंजेनिटी की। जी हाँ, इंजेनिटी वो हेलीकॉप्टर जो कि नासा ने मार्स पे भेजा हुआ है रोवर के साथ, और उस हेलीकॉप्टर ने 60 फुट की ऊंची उड़ान की है। 50 उड़ान वो अब तक कर चुका था, और पृथ्वी से मार्स यानी मंगल पर कंट्रोल करके एक उड़ान करवाना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की ही बात है। और जैसे जैसे नासा इस हेलीकॉप्टर को, इंजेनिटी को ऑपरेट कर रहा था, वो उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा था, और धीरे धीरे कर अब ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई उसने हासिल की, 60 फीट ऊंचाई तक वो उड़ा है। और 60 फीट ऊंचाई तक उड़ने के बाद उसने करीब 350 मीटर की दूरी भी तय की है, और इसको शूट रोवर ने किया है, जिसकी फुटेज भी आई है। और नासा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अपने आप में एक ऐसा पल है जहां पर हम इतनी दूरी तक बैठकर, इतनी दूर पर कमांड देकर अपने हेलीकॉप्टर को, अपने रोवर को आदेश दे पा रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए रिकॉर्ड करे, और हेलीकॉप्टर भी इतनी दूर तक ये उड़ पाए। एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है जिसका नाम इंजेनिटी है, इस हेलीकॉप्टर ने 60 फुट ऊंची उड़ान भर के बता दिया कि हमारी साइंस कितनी ज़्यादा और कितनी बेहतर प्रगति कर चुकी है। कुछ दिनों बाद शायद उससे बड़ा कोई हेलीकॉप्टर मार्स की धरती पर उड़ता हुआ दिखाई पड़े। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।